हेलो दोस्तों, मैं एक वीडियो नया लेकर आ चुका हूँ यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। और ये बैरिंग नंबर है UCP210J7। चलो चल के देखते हैं। ये हमारा इशू का बैरिंग है, इसको हमें खोलना है, रिमूव करना है बैरिंग को। बैरिंग को रिमूव करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी? एक स्पैनर, एडजस्टेबल हैमर और पुलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बैरिंग हाउजिंग बहुत ज़्यादा पले था, साउंड कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको निकाल रहा है, वापस निकाल के नया चेंज करेगा इसमें। मार मार देखिए, हम लोग बैरिंग रिमूव कर दिया है। ये एमरी पेपर से थोड़ा रस्ट पकड़ा हुआ था, रस्ट निकाल के WD-40 मार के अच्छा से करके वायरिंग डालेगा। घुमा घुमा के इसको मारना पड़ता है अच्छे तरीके से। इसको एमरी पेपर से साफ़ कर लो। साफ करने के बाद आराम से वायरिंग चला जाता है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कॉमेंट करें तो कॉमेंट करेंगे तो जो भी कॉमेंट में पूछना है पूछ सकते हैं, तो जवाब मैं देने वाली वीडियो में। देखिए, अच्छी तरीके से रेगुलर मारना चाहिए, जिससे कि क्या है कि इसका रस्ट निकल जाए। उसके बाद WD-40 है, WD-40 इसको WD-40 से मार के थोड़ा क्लीन कर लो अच्छा सा। अच्छा सा चमक जाए तो बैरिंग जाने में आसानी हो जाता है। देखिए, अच्छा तरीके से कपड़ा मार दिया गया है। अब इसे हम बैरिंग लगाएंगे। ये देखिए, हमारा बैरिंग लग रहा है। अब बैरिंग को एकदम स्ट्रेट में सीधा रहें तभी जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा किधर भी। देखिए, अभी फंस गया था ना, एकदम सीधा स्ट्रेट में जाना चाहिए बैरिंग। देखिए, आराम से गया। ये देखिए, हमारा बैरिंग लग चुका है। इसका स्क्रू एलंकी स्क्रू है, इसको एलंकी स्क्रू टाइट कर रहे हैं। एलंकी स्क्रू टाइट करने के बाद इसको ब्लोअर को घुमा के देख लेना चाहिए कि कहीं ब्लोअर टच तो नहीं कर रहा है, ये बॉडी में किधर टच कर रहा हो। फिर लगाने के बाद ब्लोअर में कोई कोई पार्ट्स डैमेज हो जाए, इसलिए इससे पहले ही चेक कर लेना चाहिए। इसको फाइंड आउट कर लो वो सबसे अच्छा है। देखिए, वो पॉइंट दिख रहा है वाइट कलर का छोटा सा ब्लैक पे, ये ग्रीस के डालने के लिए है। मैं बैरिंग लगाने के टाइम में नया बैरिंग जब भी चेंज करूँ ग्रीसिंग ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, हमारा बैरिंग टाइट हो चुका है। अब हम इस पर लगाएंगे पुली। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। लाइक तो बनता ही है, क्योंकि अच्छा हमारी मेहनत का फल यही है, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा पुली लगा रहा है, पुली लगेगा उसके बाद हमारा इशू कंप्लीट है, हम इसको रनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मोटर का बैरिंग भी ऐसे ही चेंज होता है, लेकिन मोटर का बैरिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कहीं रोटर निकालते हुए बाइंडिंग में लग गया तो बाइंडिंग ख़राब हो सकता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुल निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी देना पड़ता है इसको। देखिए, हमारा पुली लगने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर नया वीडियो।